बाद में मिलूंगा। ये देखो रोते रोते, ये देखो बेटा। यहाँ मैडम से सुबह सुबह पैसे मांगने पड़ रहे हैं मुझे जाने से पहले। पुणे कौन सी बनाते हैं? पुणे नहीं, कौन सी रोटी बना? तो गाइस आज मैं जा रहा हूँ पुणे के लिए, और ये मम्मी पहले भाविया रानी हमारी बेबी भाविया को और भनुली को टीका लगाएंगी। सो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे पीछे पहाड़ियाँ देख रहे हैं नैनीताल की, इन पहाड़ियों को करते हैं हम लोग टाटा बाय बाय और निकलते हैं पुणे के लिए। मैडम को ड्रॉप करके आते हैं। यहाँ पे हमारी बाइक रहती थी वो जा चुकी है पुणे। विंडो नीचे। अभी हूँ मैं हल्द्वानी उत्तराखंड में, और फाइनली वर्क फ्रॉम होम हमारा ख़त्म होता है, रिटर्न टू ऑफिस होता है स्टार्ट, और मैं निकल रहा हूँ आज पुणे के लिए अर्ली मॉर्निंग। और मेरी वोल्वो बस मैंने बुक की हुई है टिकट। सो 8-9 बजे की मेरी वोल्वो बस है, तो उससे पहले मैं इनको ड्रॉप करके आऊँगा क्योंकि ये मेरे साथ नहीं जा रहे हैं। ये देखो यहाँ मैडम से सुबह सुबह पैसे मांगने पड़ रहे हैं मुझे जाने से पहले। जाते वक्त हस्बैंड देते हैं अपनी वाइफ को। कोई बात नहीं, हम तुम्हें ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे। पैसा पैसा देखो पैसा। आई एम गोइंग अलोन दिस टाइम। याद मत दिला मुझे बार बार, मुझे यकीन नहीं हो रहा। इतने टाइम हम सांस में रहे हैं, ऊपर से वर्क फ्रॉम होम हमने किया, आज जाते हुए काफ़ी मतलब बुरा लग रहा है घर को छोड़ते हुए, तो आज हमें अपनी छुटकी को भी बाय बाय कहना पड़ेगा। और फिर मैं इनको लेने आऊँगा 3 या 4 महीने बाद अपने साथ। चार हो गया वो। 3 से वो 1 आफ्टर 3 या 4 मंथ्स बाद। और हम चले अपने मायके। इनको मायके में कुछ दिन मतलब कुछ महीने वहाँ स्टे करेंगी, वहाँ एंजॉय कर लेंगी, और बस वापस आता हूँ मैं फटाफट। फिर गाड़ी मुझे पार्क करनी है घर पे, और अपना बैग लेकर हम निकल पड़ेंगे। 7:30-8 कितने बजे की बस है? मेरी 9 बजे की वोल्वो, तो आपको निकलना पड़ेगा ना। ये भी आ गया, ये भी आ गया। अरे जीमू, हमारा जीमू, जीमू द ग्रेट मैन। चलो भाई छोटे मिनी रिजॉर्ट के अंदर चलते हैं मम्मी बड़ा। ये मिनी रिजॉर्ट हमारा, ये मिनी रिजॉर्ट। ये उठ गई हमारी नुन्नी, बदमाश उठ गई। बदमाश की टीका देखो कितना जबरदस्त लगा दिया नानी ने, मतलब दादी ने। और अब पहुंच गई है नानी के घर। तो पहुंच गए हैं ससुराल अपने, और ये मायके अपने। अरे बाल खोल, ज्यादा छाता। अरे रोनी थी तू, यह रात को रोनी थी। हाँ मुझे नहीं आता रोना। ये यहाँ कौन सा लीची का जूस बना रहे मम्मी? लीची का बना रहे। चलो लीची का जूस पीते हुए जाते हैं। लीची का बना रहे, लीची का अच्छा है। फ्रेश एकदम मम्मी ने बनाया यहाँ लीची का जूस। बस आज के बाद खाएंगे हम 3 महीने बाद। 3 से 4 ना जाए अभी। 3 से 4-5 कुछ भी हो सकता है। मजाक कर रहा है, लाओ पूछ मत ही, लाओ बाद में मिलूंगा। ये देखो रोते रोते, ये देखो बेचारी। अरे अरे मेरा बच्चा, ये भी तो छोटा बच्चा है। तो फाइनली अपने भानु को करते हैं भनुली को बाय बाय टाटा। चल बेटा, टाटा बाबा, टेक केयर, मिलेंगे पुणे जाके। फ़ोन करते हैं और टाइम फोन आवाज़ आने। चलो उनको ड्रॉप करके मैं आ गया हूँ घर। अब मम्मी मुझे लगाएगी यहाँ पे टीका। तो यार ज्यादा टाइम ये सब फिक्र होती है। पहले आओ ये रिक्शा है। नहीं नहीं मैं ऑटो कर लूंगा। ये देखिए, पहले सोचा था ऑटो लेकर आऊंगा, लेकिन ये स्कूटी में आ गया आराम से। गाड़ी यहाँ पार्क कर दी हमने। ये देखो मम्मी लग गई है सफाई में। मम्मी बाय। तो भाई हम लोग निकल चुके हैं स्कूटी से फाइनली। ये है मेरी सिस्टर पीछे। तो ऑटो मिल नहीं रहा था, टाइम लग रहा था मॉर्निंग में, और मेरा हैवी है लगेज काफ़ी, 20 kg का, और बैकपैक अलग से है लैपटॉप का। तो सोचा क्यों ना स्कूटी से चलते चलते स्टेशन पे। सो गाइस बस स्टैंड में पहुंच गया हूं, और मुझे ज़रूरत थी इस परमानेंट मार्कर की। अब बस अपना लगेज यहाँ पर दे देते हैं। लो भैया डालो इसको अंदर। अब सेम लगेज किसी और का भी हो, कन्फ्यूजन ना हो, तो मैंने मार्क कर दिया परमानेंट मार्कर से। वेस्ट ठीक। हाँ हाँ यही जस्ट पीछे वाली विंडो भी नहीं है। विंडो ही तो है। हाँ सही है, इसमें चार्ज को और रिक्लाइन कर लिया जाए। अभी तो बस खाली है पूरी ऑलमोस्ट। कभी कभी कूलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, एसी वेंट्स अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ अभी से। सो फाइनली हम बैठ गए वोल्वो बस में, और टाइम क्या हो गया? 8:30
9 बजे निकल जाएंगे हल्द्वानी से, और अभी हमें बस अड्डे पे हल्द्वानी के। तेरी स्कूटी कहाँ है? हाँ उधर है स्कूटी तेरी, चल फिर चल तू निकल। तो दोस्तों ये सुबह सुबह 9 बजे मैं हल्द्वानी से निकल गया हूँ, हल्द्वानी को फाइनली बाय बाय करते हैं। अल्ले का कल्ला मेला बोचे का कल्ला नुनू, क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? हाँ मैंने ऑर्डर किया है बटर रोटी, मतलब तवा रोटी तो नहीं है, टाइम लगेगा बोल रहे हैं तो वो वाली रोटी मंगवा लिया, और दाल तड़का बस लाइट लाइट हल्का हल्का खाना खा लेता हूँ, उसके बाद सोने जाऊँगा, आराम से सोऊँगा बस में, बस में सोऊंगा। मिट गए मिट गए। कौन सी रोटी बोला? बोल दे सबको बाय बाय, टेक केयर गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में दिल्ली पहुंचने के बाद। पुणे पहुंचने का ट्रिप बनाते हैं, पुणे नहीं दिल्ली एयरपोर्ट से बनाते हैं। आप बनाओगे ना? हाँ तो बस तुम बताओ ना लोगों को। अब मिलते हैं दिल्ली एयरपोर्ट में। वॉइस ब्रेक हो रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है। चल ठीक है ठीक है, अब दिल्ली एयरपोर्ट से कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों मैं आनंद विहार बस अड्डे पहुंचने वाला हूं बस थोड़ी देर में, और यहां मौसम देखिए दिल्ली ने मतलब बारिश के साथ में वेलकम किया है, वाओ। और नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, दिल्ली एयरपोर्ट आप लोगों को घुमाऊंगा, ख्याल रखिएगा अपना, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। हाँ मेट्रो स्टेशन पहुँच गया हूँ, मेट्रो स्टेशन मेरे पीछे ही आनंद विहार, और इधर बस अड्डा।